हेर तू एक बैरानी घड़ा ठवा दे सदा किसकी बनी रही है सदा किसकी बनी रहेगी सदा किसकी तनी रही है सदा किसकी तनी रहेगी के बनी के मुख पर लाखों निसार होते हैं जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं ये समय कराए खेल मनुष्य रोता है नर से बड़ा बलवान समय होता है रानी मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे हेरी तू एक बैरानी घड़ा ठवा दे अरियो जाता को न्या ठाया जी बिड़ जागी मेरी काया क्यों कर घड़ा दबा दूं पिया जी बिड़ जागी मेरी काया अरे एक बैरानी घड़ा ठवा दे एक बैरानी घड़ा ठवा दे दिखे जाता को ना ठाया क्यों कर घड़ा दबा दूं पिया जी बिड़ जागी मेरी काया क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी बिड़ जागी मेरी काया रानी कहिए महाराज अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से तुम्हारा धर्म खराब होता है तो मैं एक विधि बताता हूँ आपको हेरी घड़ा ठवा के हाथ धो लिए घड़ा ठवा के हाथ धो लिए के घट जागा तेरा तेरे घड़े के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जा मेरा धर्म कर्म की बता का मन को न्या पाट्या पेरा तू बंगी के नीरे बरे मेरा ब्राह्मण के घर डेरा अरी लत्ते कपड़े ना पहरे दिखे लत्ते कपड़े ना पहरे ना अन भंगी का खाया एक जंगा रणे थे पिया जी किसने गात बचाया क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी फिर जागी मेरी काया ओ काफी नाम पहले दे चुके हैं 100 रुपए और इस रागनी पर हमारे आदरणीय ताऊ जी 101 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और प्रेमियों राजा हरिश्चंद हुए राजा मोरध्वज हुए कृष्ण जी हुए सुदामा जी हुए ये सब हमारे पूर्वज हैं और ऐसी रागनियों पर जो विद्वान श्रोता सम्मान करते हैं वो सम्मान हमारा नहीं हम कलाकारों का नहीं वो सम्मान अपने पूर्वजों का होता है जिसकी बदौलत आज हम इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऐसी भगवान स्वरूपी जनता का ऐसे विद्वान श्रोताओं का
और रानी कहिए महाराज, आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे को 21 दिन हो गए खाना खाए हुए, अन्न का एक भी टुकड़ा मेरे शरीर के अंदर नहीं गया है, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है रानी जो मैं इस घड़े को उठा सकूं। इस घड़े को हाथ लगा दे, मेरा साथ निभा दे रानी। अभी आपने मुझे एक विधि बताई है कि हाथ धो लिए पैर धो लिए, पर महाराज जी हाथ पैर धोने से जो मेरा धर्म है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो तो फिर भी बिगड़ेगा। लेकिन एक विधि है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपका घड़ा है वो सिर पर आ सकता है मारा। क्या कहना चाहती हो? सुनिए सुना दिखे जाथर थोड़ा बोझा भारी, जाथर थोड़ा, जाथर थोड़ा का मतलब है कि शरीर के अंदर ताकत नहीं है, शरीर के अंदर ताकत कम है और घड़े में वजन ज्यादा है। भाई रागनी की तरफ ध्यान दो, जिसके पास में घर का दिमाग होगा वो ही रागनी ने सुनेगा, जो विद्वान श्रोता है वो ही रागनी सुनेंगे, नहीं तो बची पाओगी रागनी। सुन ले, हेरी जाथर थोड़ा बोझा भारी, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। अरी कुण सी विधि बतावण लागी, ओ भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। रानी ने तरीका बताया कि महाराज जल के अंदर गोता लगाइए, स्वाभाविक बात है जल के अंदर गोता लगाने से घड़ा अपने आप सर पर आ जाएगा। हेरी जल में गोता मारण कारी, दिखे जल में गोता मारण का, तने ठीक यो जतन बताया। और तड़े ने ओते ठाले, क्यों इतना दुख माया। राजा हरिश्चंद जल के अंदर गोता लगाते हैं, प्रेमियों सुनने की बातें होंगी। जैसे ही राजा हरिश्चंद ने जल के अंदर गोता लगाया, रानी कहने लगी कि महाराज थोड़ा सा और नीचे जाइए। गोता लगाते हैं, घड़ा सर पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही घड़े को लेकर वरना नदी से बाहर निकलता है राजा हरिश्चंद, एकदम से पैर कांपने लग जाते हैं, धरती और आसमान डोलते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं बची थी प्रेमियों। एकदम घड़ा सर से उतरकर पानी के अंदर गिर जाता है, फिर जाता है अपनी रानी के पास में, हाथ जोड़ता है कि तारा कहिए महाराज, आज इस मुसीबत में मेरा साथ निभा दे। उस भगवान को साक्षी मानकर, इस पवित्र जल को साक्षी मानकर मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन तू मुसीबत में आएगी मैं तेरा पूरा साथ दूंगा रानी। मैंने आपसे बार बार चीख चीख कर एक ही बात कही है महाराज जी कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन आपके शरीर के साथ साथ ही जो आपकी बुद्धि है वो भी काम नहीं कर रही है महाराज। मेरी बात सुन, कहिए। हाथ धो लिए पैर धो लिए, जो तरीका तूने मुझे बताया था वो फेल हो गया, अब मेरा तरीका सुन। हेरी हाथ धो लिए पैर धो लिए, और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे, आई नहीं अकल में। अरे पखत पड़े पे धोखा देगी, प्रेमी लाइन अच्छे लगे तो दादा लक्ष्मी चंद के लिए तालियां चाहूंगा। पखत पड़े पे धोखा देगी, पखत पड़े पे धोखा देगी, फर्क आ लिया दिल में।
उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। प्रेमी रानी ने ताना मार दिया, उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। महाराज अगर काशी के अंदर अपने राजपाट को छोड़कर मोल नहीं लगता, हम तीनों प्राणियों के अगर तू मोल नहीं लगाता तो आज ये नौबत नहीं आती। रानी ने ताना मारा, लेकिन महाराजा राजा हरिश्चंद अपने सत पर डटे हुए हैं। प्रेमियों हरी समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी, या डड़ती फिरती छाया कहे सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। तू ये कह रही है कि कहे सुने कि ना मानी तने राजपाट छुकराया। ये सब तुझे पता है, ये राजा हरिश्चंद जवान का पक्का है, सत पर डटा हुआ है, अपने धर्म पर डटा हुआ है, इसलिए काशी के अंदर मोल लगाया और इसलिए हमारी ये नौबत आई। क्यों? क्योंकि सत का बंधन जीव के जिम्मे, सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए तो हो जा सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल भोजा। जो नहीं अगत की बात बिचारे, नहीं अगत की बात बिचारे, राह में कांटे बोझा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पसो जा। सिंह ने दुख विपता का, मान सिंह ने दुख विपता का, ठीक यो खेल रचाया। लक्ष्मी चंदन भजन बना के सभा बीच में गाया। हरी एक वैरानी खड़ा ठवा देर जाता को न्याठाया। क्यों कर गड़ा ठवा तू पिया जी भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर गड़ा ठवा तू पिया जी भिड़ जागी मेरी काया। जोरदार